भारत माइनॉरिटीज का देश है, हर व्यक्ति माइनॉरिटी है, क्योंकि सेकुलरिज्म भारत का सबसे पवित्र सिद्धांत है और भारत का सबसे बड़ा पाखंड है। पवित्र सिद्धांत क्यों है? पवित्र सिद्धांत इसलिए है कि ये भारत के स्वधर्म का हिस्सा है। ये जो भारत का गणतंत्र है, ये सेकुलरिज्म के बिना बच नहीं सकता। सेकुलरिज्म शब्द कब आया, इस सबसे मेरे को मतलब नहीं है। देखिए, भारत के पास केवल दो ही रास्ते हैं, या सेकुलर भारत होगा या जो भारत हम जानते हैं वो होगा ही नहीं। तो भारत एक यूनिटी के रूप में बचेगा, एक राजनीतिक इकाई के रूप में बचेगा। उसकी शर्त है कि यहाँ पे किसी एक धर्म के धर्मावलंबियों का बोलबाला ना हो। इस न्यूनतम अर्थ में सेकुलरिज्म भारत की बुनियाद में है। सेकुलरिज्म भारत का सबसे पवित्र सिद्धांत है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, हमारे संविधान का। और इसलिए भी कि क्योंकि वो जो डाइवर्सिटी है भारत में, जिसको विविधता कहते हैं, वरना वो बरकरार नहीं रहेगी। और वो किसी भी देश में विविधता अगर बरकरार ना रहे तो फिर देश का तो सपना ही चकनाचूर हो जाता है। ये तो पवित्र बात होगी। किसी और देश पे फिर भी लागू हो सकता है। जापान में अब इतनी लंबी चौड़ी विविधता नहीं है, वो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भारत जो है, जिस तरह की धार्मिक विविधता हमारे यहाँ है, अगर ये देश सेकुलर नहीं रहेगा तो ये देश नहीं बचेगा। ये लोग समझते नहीं है। ये श्रीलंका नहीं है कि आप थोड़े से तमिल्स को मारपीट के कुछ कर लीजिए और देश चला लेंगे। देखिए, भारत में कुछ लोग इस डिबेट को ऐसे भी देखते हैं कि 80% के आसपास जो जनसंख्या है वो एक धर्म की मानने वाली है, और 20% में समेट लीजिए सबको, जिसमें हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, जिसमें कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वगैरह वगैरह, और भी वो सारी चीज़ें। तो एक तरह से एक बड़ी मेजोरिटी है, इसमें सेकुलरिज्म क्या करेगा? इसमें तो एक ही जो मेजोरिटी है उसको चलने दीजिए। दो तीन बातें मैं आज करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि 20% कहते हुए हम भूल जाते हैं कि 20% का मतलब कोई 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ लोग जो अमेरिका की कुल आबादी के लगभग नज़दीक आ जाते हैं, तो एक तो बहुत छोटी संख्या नहीं है। दूसरा, डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी का राज इस मायने में नहीं होता कि जन्म से जो मेजॉरिटी है वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का राज होता है बशर्ते मैं उस मेजॉरिटी का हिस्सा बन सकूं। कभी ना कभी ओपिनियंस की मेजॉरिटी होती है। अगर जन्मजात मेजॉरिटी का राज डेमोक्रेसी होने लग जाए तो भाई फिर मैं क्यों उसमें हिस्सा लूं। और तीसरा, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, बहुत प्राचीन और बहुत गहरी परंपरा है, वो अपने आप में इतनी विविध है। मैं हिंदू हूँ, जब मैं दक्षिण भारत के हिंदू से मिलता हूँ, जब मैं पूर्व भारत के हिंदू से मिलता हूँ, तो उनके आधे संस्कार तो मुझे समझ ही नहीं आते, क्या रिवाज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब ये है कि एक जो मेजॉरिटी है, जिसको हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, या जो अक्सरियत है, उसके अंदर भी तरह तरह की अकलियतें हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं बाकायदा। और ये बात आमतौर पर भारत में लोग समझते नहीं हैं। भारत माइनॉरिटीज़ का देश है, हर व्यक्ति माइनॉरिटी है। आमतौर पे जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो लोगों के मन में आता है, अच्छा सेकुलरिज्म थोड़ा माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ थोड़ा एक कंसेशन है। माइनॉरिटीज़ कौन है? मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हम भूल जाते हैं कि हर शख्स इस देश में माइनॉरिटी है। अगर मुंबई में हिंदी स्पीकर्स के अगेंस्ट दंगा होता है तो उनका हिंदू होना, उनका हिंदी स्पीकर होने का कोई मायने नहीं है। आप इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो देश में मेजॉरिटी हो, प्रदेश में मेजॉरिटी हो, शहर में मेजॉरिटी हो, गली में मेजॉरिटी हो, धर्म के नाते मेजॉरिटी हो, जाति के नाते मेजॉरिटी हो, भाषा के नाते मेजॉरिटी हो। जिसका मतलब है इस देश में सब तरह के दंगे हुए हैं। तो सेकुलरिज्म हर व्यक्ति को बचाने का प्रिंसिपल। ओके, ये तो पवित्र बात होगी। मतलब ये कि एक बहुत प्यारा सा मुकद्दस सा काम है कि सेकुलरिज्म को बचाना है। इसलिए कि सेकुलरिज्म को बचाना है तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको भी बचाना है, ठीक है ना।
दूसरी तरफ इसमें पाखंड कहाँ से आ जाता है, जो आपने जो इसको एक्सप्लेन किया था? सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में जो हुआ है, आमतौर पे सेकुलर लोग ये बातें कहने से गुरेज करते हैं, डरते हैं, समझाते हैं, थोड़ा सोचते हैं अच्छा मोदी का राज है, इन बातों को थोड़ा ढक के ही रखो, कहने की क्या जरूरत है। लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नहीं, इन बातों को खुल के कहना चाहिए, ईमानदारी से कहना चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में जो पॉलिसीज हुई हैं, जो एक सोच इंटेलेक्चुअल काम किया गया है, और जो पॉलिटिक्स हुई है, वो पाखंड है। आपको पता है, आपकी जो बातें हैं इस पर संगीत का काम कर रही हैं आरएसएस वालों के लिए, मोदी जी के समर्थकों के लिए। लेकिन कहिए कहिए, मुझे बुरा कहिए, वो जो लाइन है, मतलब ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ी तादाद में राजनीति में ऐसे लोग हैं और राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने के कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड सेकुलरिज्म को लेके, और उसको उस हद तक बदनाम कर दिया, जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, कि अब लोग शब्द पे विश्वास नहीं करते। आज सेकुलरिज्म इतना भद्दा शब्द बना दिया गया है, वो क्यों बना है? आप कह सकते हैं आरएसएस बीजेपी ने प्रोपेगेंडा करके बना दिया। अरे भाई, वो तो 70 साल से 80 साल से कोशिश कर रहे थे, क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं तो सेकुलर प्रैक्टिस में दिक्कत है। कहाँ है? वैसे मैंने बहुत सोचा इस सवाल पे, इस सब पे भी सोचा कि अच्छा, इससे आरएसएस को बड़ा कुछ बातें आरएसएस भी ये कहती है, और मैं अंत में इस विश्वास पे पहुंचा। मेरे गुरु थे किशन पटनायक, उन्होंने मुझे सिखाया था कि बेटा सच बोलो, सच बोलोगे तो पॉलिटिक्स में अंततः ठीक जगह पे पहुंचोगे, रास्ते में चाहे कितनी दिक्कत आए। तो सच ये है कि हिंदुस्तान में अपने आप को सेकुलर कहने वाली पॉलिसी, उसकी प्रैक्टिस और उसकी पॉलिटिक्स तीनों फ्रॉडलेंट है। कैसे हैं, मैं आपको एक एक करके बोलता हूँ। ये जो पॉलिसी है सेकुलरिज्म की, ये पॉलिसी क्या है? हमने इसके नाम पे क्या किया? सच्चाई बीजेपी कहती है कि आपने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, अपीजमेंट किया। हर ऐसी मिथ में, ये बात झूठ है, लेकिन हर ऐसे झूठ में सच का एक छोटा सा बीज होता है। वो सच का बीज क्या है? सच ये है कि यहाँ पे भारत में मुसलमानों का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियन का, ईसाई का, सिखों का, इनकी क्लर्जी, इनके जो ठेकेदार थे, उनका तुष्टीकरण किया और समाज की ऐसी तैसी की गई। अब शाबानों का मामला लिखिए। शाबानों के मामले में एग्जैक्टली यही हुआ, बल्कि शाबानों के मामले में तो ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अंदर, मुझे अच्छी तरह से याद है, दो गुट बनाए गए थे। एक ऐसा था जिसे आरिफ मोहम्मद खान, जो लिबरल व्यू ले रहा था, राजीव गांधी के ज़माने की बात है जब वो प्रधानमंत्री थे, और दूसरे तब थे ज़िया अंसारी साहब, जो उन्नाव वाले थे, एमपी थे, मिनिस्टर भी थे, और उन की जो लाइन थी वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स वाली थी। और फिर उसके बाद में देखा कि जो कट्टर मुसलमान हैं वो थोड़ा उधर जा रहा है, यानी कि शाबानों के जजमेंट के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने रातों रात अपनी लाइन बदल दी। खैर, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों, मतलब जो समझदार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग बाग थे, ठीक ठाक लोग बाग थे, उनको लगा ये क्या सरकार है, एक जरा सा दबाव डाला और इतनी गलत बात पे आपने उन्होंने कानून बदल दिया। तो वो अपीजमेंट था, मगर वो मुसलमान का अपीजमेंट नहीं था, ठेकेदारों का अपीजमेंट था। मुस्लिम ठेकेदारों का अपीजमेंट और मुस्लिम समाज का बिल्कुल बहिष्कार। सच्चा रिपोर्ट क्या बताती है? सच्चा रिपोर्ट के 10 साल बाद हम क्या देख रहे हैं? आज मुसलमान को ना एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, सिक्योरिटी उसके लिए सवाल है, और सारी मुस्लिम पॉलिटिक्स किस पे हो रही है? ट्रिपल तलाक पे। कोई मतलब है, कोई सवाल है ये जिसके ऊपर आप सारी कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे हो? तो ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स खड़ी हुई कुछ सवालों पे, इनका मतलब ये था कि ले दे के सारे मुसलमानों को कुछ सिंबॉलिक इश्यूज पे लगा के रखो, और उनके जो सचमुच के सवाल हैं उसको इग्नोर करो। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर ब्रूट वीडियोस।